दोस्तों, अगर आप भी एक एंड्रॉइड मोबाइल यूज़र हो और आप चाहते हो कि आपका मोबाइल जो है वो कोई भी दूसरा बंदा जो है वो हैक ना कर पाए, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपको अपने मोबाइल में जो है वो कौन सी सेटिंगों को जो है वो चेक करके रखना चाहिए, जिससे जो है वो आपका मोबाइल जो है वो कोई भी दूसरा बंदा जो है वो हैक ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने जो है वो अपने फ़ोन की सेटिंग पर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपनी फ़ोन की सेटिंग को जो है वो कर लोगे, उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप जाए वो नीचे की तरफ को आओगे तो आपको यहां पर एक सेटिंग देखने को मिलेगी, मोर सेटिंग। दोस्तों आपके मोबाइल में जो है वो किसी और नाम से भी हो सकती है, तो आपने सिंपली से यहां पर करना है क्लिक, और उसके बाद में जो है वो जहां पर भी है जो है वो आपके मोबाइल में जो है वो एप्लीकेशन वाला ऑप्शन होगा, तो आपने उसे जो है वो ओपन कर लेना। जैसे कि मैं एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर जो है वो क्लिक कर देता हूं, उसके बाद में नीचे की तरफ जो है वो लास्ट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इंस्टॉल अननोन एप्स, तो आपने सिंपली से यहां पर कर देना है क्लिक। यहां पर क्लिक करने के में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों आपके यहां पर जो है वो कोई और ऐप भी हो सकते हैं, जैसे कि मेरे यहां पर जो है वो यही ऐप है, आपके यहां पर जो है वो कोई और ऐप भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आपने यहां पर चेक क्या करना है, आपने यहां पर चेक करना है कि आपको कोई भी अननोन ऐप जो है यहां पर दिखाई तो नहीं दे रहा। मान लो कि आपने जो है वो अपने मोबाइल में जो है वो उस ऐप को जो है वो डाउनलोड नहीं किया था, इंस्टॉल नहीं किया था, फिर भी वो आपके मोबाइल में जो है यहां पर जो है वो अननोन ऐप्स में जो है वो शो हो रहा है, तो आपने यहां पर चेक करना है कि कोई भी ऐसा ऐप जो है यहां पर आपको शो तो नहीं हो रहा जो आपने डाउनलोड नहीं किया था, फिर भी आपके यहां पर जो है वो है। तो अगर दोस्तों आपके यहां पर कोई भी अननोन ऐप है जो आपने डाउनलोड नहीं किया था, फिर भी आपके यहां पर जो है वो शो हो रहा है, तो आपने अपने मोबाइल से जो है वो उस ऐप को जो है डिलीट कर देना है। मान लो कि कोई भी अननोन ऐप होगा तो आपने यहां से जो है वो डिलीट कर देना है जो आपको नहीं पता है कि ये कौन सा ऐप है। मान लो कि दोस्तों आपने ये चेक कर लिया, उसके बाद में आपने जो है वो बैक जाना है। बैक जाने के बाद में दोस्तों आपने जो है वो सेकंड नंबर वाली सेटिंग चेक करनी है, आपने जो है वो गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपकी सेटिंग में जो है वो गूगल वाला ऑप्शन होगा, तो आपने सिंपली से वहां पर करना है क्लिक। गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप नीचे की तरफ को आओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेटिंग फॉर गूगल ऐप्स, तो आपने सिंपली से यहाँ पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप यहां पर क्लिक कर दोगे उसके बाद में आपको पहले नंबर पर ही एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, कनेक्टेड ऐप्स, तो आपने करना है कि आपने सिंपली से यहां पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप कनेक्टेड ऐप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आपने जो है यहां पर दो सेटिंगों को जो है वो चेक करना है। एक तो यहां पर आपने चेक करना है कि आपके यहां पर जो है वो कोई भी अननोन ऐप जो है वो आपके गूगल अकाउंट से जो है वो लिंक तो नहीं है, कनेक्ट तो नहीं है। अगर तो दोस्तों कोई भी अननोन ऐप जो है वो आपके जो है वो गूगल अकाउंट से लिंक होगा, कनेक्ट होगा, तो आपने वो ऐप जो है यहां से जो है वो अनकनेक्ट कर देने हैं, रिमूव कर देने हैं। दोस्तों कोई भी ऐप होगा तो आपने जो है वो गूगल अकाउंट से जो है वो कनेक्टेड नहीं रखना है। दूसरे नंबर पर आपको जो है वो नीचे की तरफ को एक सेटिंग दिख रही होगी, गूगल अकाउंट साइन इन, तो आपने यहां पर जो है वो ये वाली सेटिंग जो है वो आपने चेक करनी है कि ये वाली सेटिंग जो है वो आपकी ऑफ है। अगर तो ये वाली सेटिंग जो है वो आपकी ऑफ है तब तो ठीक है, अगर आपकी ये वाली सेटिंग जो है वो ऑन है तो आपने जो है वो इसे ऑफ कर देना है, क्योंकि दोस्तों ये जो है वो आपके जो है वो कोई भी थर्ड पार्टी ऐप को जो है वो आपके अकाउंट से जो है वो साइन इन करने से जो है वो बचाते हो। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।